हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इट्स अ नाइस सिंपल एंड इजी चैप्टर और हम इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब चैप्टर का नाम ही डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है, सो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज हाउ आर पीपल डिफरेंट। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी और हमारी आइडेंटिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हम कैसे रहते हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हम क्या खाते हैं, हम कौन से गेम्स खेलते हैं, हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री से उस जगह की। ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम इतनी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इज इंडिया रियली डाइवर्स? लेट्स सी अ ग्लिम्स ऑफ इट। पूरे वर्ल्ड में अराउंड 8 मेजर रिलीजन्स हैं और आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि इंडिया में ये सारे के सारे 8 रिलीजन्स प्रेजेंट हैं। दैट इज हाउ डाइवर्स द इंडियन रिलीजियस बैकग्राउंड्स आर। दूसरा फैक्ट है कि इंडिया में अराउंड 1600 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो लोगों की मदर टंग्स हैं। मतलब हम दूसरी लैंग्वेजेस की तो बात ही नहीं कर रहे, 1600 लैंग्वेजेस विच आर पीपल्स मदर टंग्स, जो यहीं को बिलोंग करती हैं। और 100 से भी ज़्यादा इंडिजिनस डांस फॉर्म्स हैं। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इंडिया कितना डाइवर्स लैंड है और यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। इसको काफ़ी बार एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं एक्नॉलेज करी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एज ह्यूमंस हमारे नेचर में है टू फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल जो हमारे जैसे हैं, हु आर सिमिलर टू अस। और जो भी लोग हमसे अलग हैं, हमसे डिफरेंट हैं, काफ़ी बार हमको वो बहुत ही स्ट्रेंज और अनफेमिलियर लगते हैं और हम ना कम्प्लीटली समझ पाते हैं, ना समझना चाहते हैं कि वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोग रिएक्ट कैसे करते हैं? वो दूसरों के बारे में ओपिनियंस और एटीट्यूड्स बना लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसी से हमें एक टर्म मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रेजुडिस। जब हमारा किसी के बारे में ओपिनियन हमेशा नेगेटिव होता है तो उसको प्रेजुडिस कहा जाता है। सो वॉट इज प्रेजुडिस? टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, इस चीज़ को कहते हैं प्रेजुडिस। पर ये आता कहाँ से है? जब हमें ये लगता है कि किसी भी चीज़ को करने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो ही बेस्ट है जो हम कर रहे हैं, देन वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। वेन वी आर नॉट ओपन टू अदर पीपल्स आइडियाज, देयर ओपिनियंस, देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देन वी डेवलप प्रेजुडिस अगेंस्ट देम। और प्रेजुडिस किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है, दूसरों के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, उनकी स्किन के कलर के बारे में, द रीजन दे कम फ्रॉम, द लैंग्वेज दे स्पीक, द क्लोथ्स दे वेयर, एक्सेट्रा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने जो प्रेजुडिस फॉर्म किया है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारे सामने फैक्ट्स होते हैं बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि हम गलत सोच रहे थे। हम दूसरों से जिनके अगेंस्ट हमारे मन में प्रेजुडिस है, हम उनके दोस्त नहीं बनना चाहते, हम उनसे पोलाइटली बिहेव नहीं करना चाहते और इनफैक्ट काफ़ी बार उनको हर्ट भी कर देते हैं। जो चैप्टर है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्रेजुडिस के, विच रूरल एंड अर्बन पीपल हैव अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ये मानना कि गाँव के लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है या उनको यूज़ करना आता नहीं है, दैट इज़ प्रेजुडिस। ये हमारे दिमाग में एक ओपिनियन बना हुआ है जिसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। इसी तरह से रूरल एरियाज़ के लोग अगर मानेंगे कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो लेज़ी होते हैं या उनको सिर्फ पैसों की पड़ी होती है, तो वो भी गलत है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ प्रेजुडिस। इट इज़ अ नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म्ड विदाउट एनी फैक्चुअल बेसिस। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन आता है जेंडर डिफरेंसेस में। चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो काफ़ी बार किसी एक जेंडर से एसोसिएट किए जाते हैं, आइदर बॉयज़ और गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेटमेंट लें डोंट क्राई यू आर अ बॉय, तो ऐसा काफ़ी बार लड़कों से कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर आप रो रहे हो तो देन यू आर वीक एंड क्राइंग इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। सो बॉयज़ अल्टीमेटली कम टू बिलीव दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस एंड दे टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको रोने में शर्म आने लगती है और वो रोना कंट्रोल कर लेते हैं। इस बात को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियों को इसी तरह से होना चाहिए। देयर आर सम ट्रेट्स विच शुड ओनली बिलोंग टू बॉयज एंड देर आर सम अदर ट्रेट्स विच शुड ओनली बिलोंग टू गर्ल्स, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो ऐसे जो भी स्टेटमेंट्स हमसे बोले जाते हैं वो हमको सोसाइटी की एक फिक्स्ड इमेज में फिट कर देते हैं एज बॉयज एंड गर्ल्स, और इसी से आता है स्टीरियोटाइप। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज देन इट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। फिर से लोग किसी भी बेसिस पे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कलर ऑफ द स्किन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एनीथिंग। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को किसी एक ही इमेज में फिट कर देते हैं कि अगर ये इस बैकग्राउंड के हैं या इस कम्युनिटी के हैं या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं तो ये ऐसे ही होंगे, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। और स्टीरियोटाइप्स की प्रॉब्लम क्या होती है? दे स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। हम उनकी स्पेशल क्वालिटीज और स्किल्स इग्नोर कर देते हैं और उनको एक कॉमन पैटर्न या टाइप का हिस्सा बना देते हैं।
तो अभी तक हमने जो दो चीजें पढ़ी, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, इनसे एक चीज आती है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का बेस जो होता है वो है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। जब लोग अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप पे एक्ट करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन होने के दो तीन मेन बेसिस होते हैं, डाइवर्सिटी, जैसे कि हमने बात करी डिफरेंट लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन एक्सेट्रा, और दूसरा रीजन है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड में डिफरेंसेस जो होते हैं ये डाइवर्सिटी के अंडर में नहीं आता है, इनइक्वालिटी के अंडर में आता है। डाइवर्सिटी इज बाय चॉइस, इट्स बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस, लेकिन डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स कम्स अंडर इनइक्वालिटी। पीपल डोंट चूज टू बी ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, दे डोंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज। और तीसरा डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर हो सकता है कि दोनों, डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक तो वो पुअर है और दूसरा दे मे बिलोंग टू अ साइडलाइन ग्रुप जिसको ओवर द ईयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स या पीपल बिलोंगिंग टू सम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। हमें ये समझना होगा कि अगर किसी रीजन या किसी ग्रुप की प्रोग्रेस नहीं हो पाई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोग्रेस करना नहीं चाहते। इट मे सिंपली मीन कि उनकी पॉवर्टी की वजह से या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से वो पीछे रह गए। लोगों का काम, देयर वर्क और देयर प्रोफेशन कैन ऑल्सो बी अ बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे काम हैं जो दूसरे कामों से ज्यादा वैल्यूड होते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मीनियल जॉब समझा जाता है और उनको करने वालों को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। पुराने टाइम में लोग अपने कास्ट के बेसिस पे अपना वर्क डिसाइड करते थे, पर इसी में से कुछ लोग जो मीनियल जॉब्स करते थे उनको अनटचेबल्स बोला जाता था। ये लोग खुद को दलित्स बुलाने लग गए, और दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ये वर्ड उन्होंने इसलिए चूज किया था बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे हैव फेस्ड ओवर द इयर्स। गवर्नमेंट इस ग्रुप ऑफ पीपल को स्केड्यूल्ड कास्ट बुलाते हैं, SC। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, और आपके चैप्टर में इनके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है जो बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 से आती है। ये स्टोरी 1901 की है, जब भीमराव अंबेडकर जी 9 साल के थे बस। इसका मतलब ये स्टोरी 100 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी है। सो ऑब्वियसली सिचुएशंस हैव चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड फॉर द बेटर नाउ, लेकिन इससे आपको आइडिया लगता है कि उस समय की सिचुएशन कैसी थी। द स्टोरी इज बेस्ड इन कोरेगांव, महाराष्ट्र, और इस स्टोरी के थ्रू मालूम पड़ता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है ये माहर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। माहर कम्युनिटी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी रीजन में अनटचेबल्स माना जाता था। स्टोरी का बेसिस ये है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने ब्रदर्स और कजन्स के साथ स्टेशन पे वेट कर रहे थे अपने फादर का या उनके सर्वेंट का, जो उनको आके पिकअप कर सकें। लेकिन उनके फादर या उनके सर्वेंट उनको पिकअप करने नहीं आए, एंड दे केप्ट वेटिंग, और उनके कास्ट की वजह से दे कुड नॉट फाइंड अ राइड बैक होम। कोई भी उनको घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ हुआ था 1891 में और उनकी डेथ हुई थी 1956 में। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही इज ऑल्सो द बेस्ट नोन दलित लीडर। दलित कम्युनिटी के सबसे फेमस और सबसे जाने माने लीडर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस कास्ट को भीमराव अंबेडकर जी बिलोंग करते थे, माहर कास्ट, जनरली उस कास्ट के लोग पुअर होते थे, उनका खुद का लैंड नहीं होता था, उनके बच्चे वही काम कंटिन्यू करते थे जो उनके पेरेंट्स कर रहे थे, और ये मेन विलेज के बाहर रहते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये एक रिच वेल टू डू फैमिली से आते थे। इनफैक्ट ये अपनी कास्ट के वो पहले इंसान थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करी थी। ये इंग्लैंड भी गए थे लॉ पढ़ने के लिए, वो भी उस टाइम पे, विच इज़ अ वेरी बिग डील। इन्होंने दलित्स को इनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी जॉब्स दिलवाएं जिससे ये कम्युनिटी प्रोग्रेस कर सके। और अपने आगे की जिंदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्वर्टेड हिज रिलीजन टू बुद्धिज्म। लेकिन इनइक्वालिटी सिर्फ दलित्स पे आके नहीं रुकती है। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उस समय काफी लोग फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन एक दूसरी लड़ाई भी लड़ रहे थे इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। दलित्स वॉन्टेड एंट्री इन टेम्पल्स, उस समय की विमेन को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, सो दे वॉन्टेड एन इक्वल राइट टू एजुकेशन जस्ट लाइक मेन। और जो पेजेंट्स और ट्राइबल्स थे उनको आज़ादी चाहिए थी हाई इंटरेस्ट रेट से जो मनी लेंडर्स चार्ज करते थे। तो इतना सब कुछ जो सोसाइटी में चल रहा था, इसका इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे होना जाहिर था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही उस टाइम के अराउंड गया था व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर प्रेवलेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो वो सारे रूल्स कंटेन करता है जिसके बेसिस पे हमारा नेशन फंक्शन करेगा और यहाँ के सारे लॉज बनाए जाएंगे। जिन लीडर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सोसाइटी से ये सारा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिले, अनटचेबिलिटी एक क्राइम है एंड इट इज लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। लोग जो चाहें वो काम कर सकते हैं, जो रिलीजन चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं,
और पूरी कंट्री में जहां चाहें वहां सेटल हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का और खुद को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम है। कोई भी एक लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल सबके लिए कंपल्सरी नहीं है एंड दिस रिस्पेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्रीडम है ये हमारी यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारी सोसाइटी में कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें इनइक्वालिटी होती है, बट इट इज समथिंग जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट नहीं हटा सकती है। पीपल ऑल्सो हैव टू स्ट्राइव टू रिमूव इनइक्वालिटी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है उसको प्रीएम्बल कहते हैं और उसमें क्लियरली स्टेटेड है कि एवरी इंडियन सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस एंड कन्वेज योर अप्रिसिएशन टू अस। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।